हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में कि पाइथन में स्ट्रिंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रिंग पे हम ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे हम फंक्शंस को उस पे अप्लाई करते हैं और आउटपुट किस तरीके से आता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में, अ स्ट्रिंग इन पाइथन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब ये तो जनरल सी लाइन है, ये तो आपको पहले से मालूम है कि स्ट्रिंग जो है, चाहे वो पाइथन लैंग्वेज हो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इट इज़ बेसिकली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और यू कैन से अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो ये तो आपको पहले से ही अंडरस्टूड है। दूसरी चीज़ लिखी हुई है, स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब देखिए अगली लाइन में लिखा हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी पाइथन में, और इसको हमने अगली लाइन में डिफाइन किया है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये है, स्ट्रिंग्स वंस डिफाइंड दे कैन नॉट बी चेंज्ड सच एज रिप्लेस फंक्शन, मॉडिफाई स्ट्रिंग्स, बट हाउ एवर दे डू नॉट मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग। देखिए, रिप्लेस एक फंक्शन है जो पाइथन में स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इस तरह के और भी कुछ फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए यूज होते हैं, बट वो फंक्शंस उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को रन टाइम पर ही मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में किसी वेरिएबल को अगर हमने कोई वैल्यू असाइन करी है, स्ट्रिंग वैल्यू, तो इनमें से किसी भी फंक्शन को अप्लाई करके हम उसे केवल रन टाइम पे ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कि हम ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन में उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको ध्यान में रखनी है कि मेमोरी लोकेशन पे उस वेरिएबल की जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आप इन फंक्शंस की हेल्प से मॉडिफाई नहीं कर सकते। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन, यू कैन से द मीनिंग ऑफ इम्यूटेबल। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइथन में स्ट्रिंग का, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको समझेंगे कैसे। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है txt नाम का, इसको हमने एक स्ट्रिंग असाइन करी है, आई लाइक बनानास। अब देखिए, ये जो स्ट्रिंग है, आप ये ध्यान रखिए, स्ट्रिंग हो या कोई न्यूमेरिकल एरे हो, उसका जो बेस एड्रेस होता है, यानी कि बेस इंडेक्स होता है, वो हमेशा जीरो होता है। मतलब वो जीरो से ही स्टार्ट होगा उसका बेस इंडेक्स, पहला इंडेक्स। ये तो बेसिक चीज हो गई जो आपको पहले से मालूम है, मैंने आपको रिपीट की। अब देखिए, इस दूसरी लाइन में मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया है एक्स, और उसमें हमने इस पर्टिकुलर टेक्स्ट वेरिएबल में जो फंक्शन अप्लाई किया है वो है रिप्लेस। कैसे अप्लाई किया है, एक्स इज इक्वल्स टू टी एक्स टी डॉट रिप्लेस। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ यूजिंग रिप्लेस फंक्शन। इसमें हम यहाँ पे पहले वो स्ट्रिंग देंगे जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, और सेकेंड पैरामीटर में हम वो स्ट्रिंग देंगे जिस वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग थी बनानास, ये हमारी ऑलरेडी इस txt वेरिएबल में असाइंड है, इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं एप्पल्स वाली स्ट्रिंग से। तो हमने पहले वो स्ट्रिंग दी जिसको रिप्लेस करना है, और फिर वो स्ट्रिंग दी जिससे रिप्लेस करना है। फिर उसके बाद देखिए, हमने एक्स को प्रिंट कराया, और फिर आपको ये चीज़ क्लैरिफाई करने के लिए कि ओरिजिनली मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू अपडेट नहीं होती है, हमने टेक्स्ट को भी प्रिंट कराया। अब इसके आउटपुट से आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हम स्ट्रिंग पे ये रिप्लेस फंक्शन जो लगा रहे हैं स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए, ये केवल रन टाइम पे ही उसको मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, यहाँ पे एक्स को जब हमने प्रिंट कराया तो एक्स पे जो रिप्लेस फंक्शन लगाया उससे हमारी स्ट्रिंग रिप्लेस हो गई, लेकिन जब अगली ही लाइन में हमने txt वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे वो ओल्ड जो स्ट्रिंग उसको असाइंड हुई थी, जो मेमोरी लोकेशन में जाके सेव हुई थी, वही स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होके आई। इसका मतलब ये हुआ कि रिप्लेस फंक्शन से हमने इसकी वैल्यू को मॉडिफाई जरूर किया, लेकिन केवल रन टाइम पर ही किया, लेकिन हम मेमोरी लोकेशन में उसको मॉडिफाई नहीं कर पाए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। आइए अब आगे समझते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है, द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग कॉल्ड एज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये चीज़ भी आपको बहुत ही बेसिक सी है, पहले से मालूम है कि किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही जो होते हैं वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं पाइथन में,
देखिए यहाँ पे फिर उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल्स आप टेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी पाइथन के इंटरप्रेटर पे। देखिए क्या लिखा हुआ है, txt इज इक्वल्स टू हेलो, फिर मैंने स्पेस दिया है, फिर लिखा है वेलकम, फिर स्पेस, फिर टू, फिर स्पेस, फिर माई, फिर स्पेस, फिर वर्ल्ड। ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है, हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए मैंने डिफाइन भी किया है कि स्पेस कैरेक्टर मैंने किसे सपोज किया है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमें निकालनी है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक नया वेरिएबल लिया और उसमें उस पर्टिकुलर पैरामीटर को पास किया जिसमें हमने स्ट्रिंग को असाइन किया है। तो वो वेरिएबल एज अ पैरामीटर हमने लेन फंक्शन में पास किया, LEN, और फिर उसके बाद देखिए हमने एक्स को प्रिंट कराया, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दिस वेरिएबल टेक्स्ट वो यहाँ पे शो हो गया। इस तरीके से आप भी किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की वैल्यू, स्ट्रिंग के लेंथ की वैल्यू को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, कैसे हम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग करते हैं या इंडेक्स हम फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इंडेक्स इज द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा। मैंने लिखा हुआ है, इंडेक्स इज द पर्टिकुलर पोजिशन ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर और स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग। अब देखिए इस पे मैंने एग्जांपल दिया है, एक वेरिएबल लिया है फिर से मैंने, और उसको सेम वैल्यू असाइन करी है जो लास्ट प्रोग्राम में करी थी, हेलो वेलकम टू माय वर्ल्ड। अब इसको देखिए मैंने इस पे जो इंडेक्स फंक्शन अप्लाई किए हैं वो कैसे किए हैं और उसका आउटपुट क्या है, इसको समझते हैं। एक वेरिएबल लिया है हमने एक्स, उसमें हमने txt.index, ये हमारा सिंटैक्स है लिखने का, और इसमें हमने एक पूरी पूरी स्ट्रिंग पास करी है एज अ पैरामीटर जिसका हम इंडेक्स निकालना चाहते हैं। फिर देखिए आप नेक्स्ट वेरिएबल में हमने सेम सिंटैक्स लिखते हुए इंडेक्स फंक्शन को यूज करके हमने एक सिंगल कैरेक्टर लिखा है जिसका हम इंडेक्स निकालना चाहते हैं। फिर देखिए तीसरा हमने स्टेटमेंट लिखा है, उसमें जेड वेरिएबल में हम एक नया फंक्शन यूज कर रहे हैं इंडेक्स का जिसका नाम है आर इंडेक्स। आर इंडेक्स इज द न्यू फंक्शन वी आर यूजिंग टू आइडेंटिफाई द इंडेक्स ऑफ ई इन द प्रेजेंट स्ट्रिंग। अब देखिए तीनों में डिफरेंस क्या है, देखिए तीनों को हमने प्रिंट कराया है और उसके बाद देखिए हमने आउटपुट भी लिखा है, आउटपुट से आपको समझ में आएगा कि तीनों का मतलब क्या है और तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पहला आउटपुट आ रहा है 7, इसका मतलब है ये जो वेलकम वर्ड है जो हम यहाँ पे जिसका इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, इस वेलकम स्ट्रिंग का जो इंडेक्स है जहां से ये स्टार्ट हो रही है वो वैल्यू है 7। कैसे काउंट होगी, आप यहाँ एच से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, ये हमारा बेस इंडेक्स है, पहला इंडेक्स है जो 0 से होगा स्टार्ट, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 नंबर पे आया कॉमा, फिर 6, फिर 7। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर पे आया W, और W से आपकी स्ट्रिंग स्टार्ट है, तो ये हमारी पूरी पूरी स्ट्रिंग की जो इंडेक्स वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 7, ये आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझते हैं, इसमें हमने E का इंडेक्स प्रिंट कराया है, ध्यान दीजिएगा हमने इंडेक्स फंक्शन यूज किया है E का इंडेक्स प्रिंट करने के लिए। इसका मतलब क्या है, इट विल प्रिंट द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ अ कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, ई, ई का फर्स्ट इंडेक्स। देखिए यहां पे कैसे पता चलेगा, जब इस स्ट्रिंग में आप इसका इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे तो आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे ई जो कैरेक्टर है वो कई बार आया हुआ है, एक से ज्यादा बार आया हुआ है, आई मीन टू से। तो अब इनमें से कौन से कैरेक्टर का इंडेक्स प्रिंट होगा ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम देखिए इन दोनों फंक्शन से अलग अलग दूर होती है। इंडेक्स फंक्शन से जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर का इंडेक्स प्रिंट करते हैं तो वो क्या करता है, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर प्रिंट करता है। यहां पे देखिए ई दो बार आया है, एक हेलो वर्ड में और दूसरा वेलकम में, सॉरी तीन बार आया है। अब इन तीन जगहों में से जो सबसे पहली बार ई ऑकर हुआ है उसका इंडेक्स यहां पे प्रिंट हुआ है इंडेक्स फंक्शन से। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिया है हमने आर इंडेक्स, आर इंडेक्स क्या करेगा, द लास्ट इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ई विल प्रिंट। अब देखिए ई यहां पे तीन बार ऑकर हुआ है, अब इन तीन बार में जो थर्ड बार लास्ट टाइम जो ई ऑकर हुआ है जहां पे उसका इंडेक्स प्रिंट करेगा ये फंक्शन आर इंडेक्स।
ये बात आपको समझ में आ रही होगी आई होप। ये बहुत ही इजी चीजें हैं, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। इस कोड को आप ऑनलाइन किसी का पाइथन कंपाइलर पे भी एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं, अगर आपके पास पाइथन का सॉफ्टवेयर नहीं है तो। उसके लिए मैं आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ, उस वेबसाइट पे जा करके आप इस पर्टिकुलर कोड को ऑनलाइन एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इसके बारे में मुझसे क्वेरी भी कर सकते हैं। आप वेबसाइट नोट कर सकते हैं, onlinegdb.com, उस वेबसाइट पे जा करके आप इस कोड को रन कर सकते हैं। मैं वेबसाइट रिपीट कर देता हूँ, onlinegdb.com। आइए लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम समझते हैं स्ट्रिंग के बारे में। अभी कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग, कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है? मर्जिंग और कंबाइनिंग स्ट्रिंग्स इज कॉल्ड एज कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। अब देखिए, ये तो आपको मालूम है कि मर्जिंग का मतलब क्या है, कि अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग हैं और हम एक के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को अगर मर्ज करते हैं, कंबाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्कैटिनेशन। कैसे होगा वो देखिए, हमने उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है आपको फंक्शन में। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ पाएंगे।